डेवलपर्स, तो हम लोग बात करने वाले हैं जावा के अंदर नेस्टेड क्लासेस की। तो पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि नेस्टेड क्लासेस होती क्या है, कैसे हम लोग नेस्टेड क्लास को बना सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इसके बेनिफिट क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं नेस्टेड क्लासेस के ऊपर, हर एक चीज देखने वाले हैं। और सेम इसी तरीके से हम लोग पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हर एक टॉपिक के साथ में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ मिलेगा। ऑलरेडी 42 वीडियोस बना चुका हूं मैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। कंप्लीट एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज है, इसको देखना बिल्कुल मत भूलना। और हो सकता है कि आप लोग ये वेट कर रहे हो कि इस वीडियो के अंदर मैं स्टैटिक क्लासेस बताऊंगा, बिकॉज आपको ध्यान होगा लास्ट वाले कुछ पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने स्टैटिक मेथड, स्टैटिक कीवर्ड, वेरिएबल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। बट पहले मैं नेस्टेड क्लासेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग अरेंज करें ना सीरीज के अंदर टॉपिक्स को, तो पहले नेस्टेड क्लासेस आता है, उसके बाद में स्टैटिक क्लासेस आता है। नेस्टेड क्लास अगर आप पहले पढ़ लोगे ना, तो बहुत इजीली समझ पाओगे कि स्टैटिक क्लासेस क्या होता है, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। ऑलराइट, तो इसीलिए मैंने पहले नेस्टेड क्लास के ऊपर वीडियो बनाना ठीक समझा, और बाद में हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर स्टैटिक क्लासेस देख लेंगे। सो पहला क्वेश्चन बनता है कि नेस्टेड क्लासेस होती क्या है। जब हम लोग एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को बना देते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड क्लासेस। मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ। एक्चुअली मान लो मेरे पास एक क्लास है, यहाँ पे क्लास ए, ठीक है, ये क्लास बना दी। इसके अंदर मैं एक और क्लास बना देता हूँ, क्लास बी। इसको हम लोग बोलेंगे कि जो ग्रीन वाली क्लास है ना, ये वाली, ये हमारी नेस्टेड क्लास है। ये इनर क्लास बोलेंगे इसको, और इनर क्लास को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड क्लास, और ये होती है हमारी आउटर क्लास। एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है, क्या हम लोग मल्टीपल नेस्टेड क्लासेस बना सकते हैं, ऐसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने क्लास यहाँ पे बना ली, उसके बाद हम लोगों ने एक बी यहाँ पे बना ली, इसके अंदर सी भी बन सकती है, सी के अंदर डी भी बन सकती है, जितनी मर्जी आप नेस्टेड क्लासेस बना लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ऑल राइट, तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग नेस्टेड क्लासेस को फिर कॉल वगैरह करेंगे, और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, फायदे क्या हैं, सब कुछ देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। तो न्यू फाइल का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, लेट्स से नेस्टेड क्लास एग्जाम्पल, और इसके अंदर हम लोग वही हमारा मेन फंक्शन बना लेते हैं ताकि हम लोग इसके अंदर क्लास वगैरह कॉल कर पाए। और यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, मान लो हम लोग एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर एक क्लास है हमारी कॉलेज नाम से, और उस कॉलेज के अंदर क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, तो एक इनर क्लास बनाएंगे स्टूडेंट्स के नाम से। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे रखता हूँ क्लास कॉलेज, एंड इसके अंदर जस्ट मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अब उसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, लेट्स से गेट डिटेल्स, वॉइड गेट डिटेल्स, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा छोटा सा फंक्शन बन गया। अब ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, इसके अंदर हमारी नेस्टेड क्लास बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे गेट डिटेल फंक्शन को अगर मैं कॉल करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉलेज की, कॉलेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सी वन इक्वल टू न्यू कॉलेज, और जब मुझे इसे कॉल करना होगा सी वन डॉट गेट डिटेल्स, और आप देखोगे ये जो हमारा गेट डिटेल फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। ये एक नॉर्मल क्लास होती है, इसकी जरूरत थी इसलिए मैंने पहले पहले एक नॉर्मल क्लास बनाई। अब इसके अंदर मैं नेस्टेड क्लास बनाने वाला हूँ, आप देखोगे कि नॉर्मल क्लास हमारी प्रॉपरली रन कर रही है, एंड हियर वी गो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे इसको ऊपर, आप ऊपर बना लो नीचे बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, सेम तरीका रहने वाला है, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से स्टूडेंट, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, जैसे कि आप लिख देते हो गेट स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, इस तरीके से आप एक फंक्शन बना सकते हो। एंड यहाँ पे मैं इसको वॉइड फंक्शन बना देता हूँ, आपको पता होगा कि वॉइड फंक्शन क्या होते हैं, जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करते, बस कुछ ना कुछ प्रिंट करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेयर इज स्टूडेंट डिटेल्स, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो ये मेरे अंदर वाली क्लास है ना, इसको मैं कॉल कर सकता हूँ मेरे इस मेथड के अंदर, ठीक है, कॉलेज वाले मेथड के अंदर, इससे बाहर मैं कॉल नहीं कर सकता। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, हम लोग कहाँ पे नेस्टेड क्लासेस बनाते हैं, जब हमें पता होता है कि एक क्लास, जो ये हमारी क्लास है, इसको हम लोग बस एक लेवल तक ही यूज करेंगे, बाहर वाली क्लास तक यूज करेंगे, कॉलेज वाले तक, कॉलेज के बाहर जो नेस्टेड क्लास है हमारी या फिर कोई और कोई भी क्लास बनी है, उसका कोई काम नहीं है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, कि हम लोग एक कॉलेज वाली जो क्लास है उसके अंदर ही एक स्टूडेंट नाम से क्लास बना देते हैं, बिकॉज हमें बाहर इसकी जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये इसका एक कह सकते हो एडवांटेज है कि हम लोग इसको लिमिटेड एरिया में एक्सपोज करते हैं, हर कहीं पे इसको एक्सेसिबल नहीं बनाते,
ऑल राइट अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे नेस्टेड क्लास एग्जाम्पल बनाया था ना, इसके अंदर हम लोगों ने कॉलेज का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये तो हटा देता हूँ और सिंपली लिखता हूँ मैं स्टूडेंट S1, एक इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा मैं न्यू स्टूडेंट, ये हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया। और हम लोग अब क्या करेंगे S1 डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल इस तरीके से कॉल कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलेज स्टूडेंट के कॉलेज वाली क्लास के अंदर एक स्टूडेंट की क्लास थी और उसके अंदर ही वो कॉल हो गई। आप देखोगे मैंने यहाँ पे कहाँ कॉल करी है, गेट डिटेल के अंदर, और ये सारा का सारा एरिया कॉलेज वाली क्लास के अंदर, इससे बाहर नहीं है, इसलिए नेस्टेड है। बनेगी भी इसके अंदर और कॉल भी इसके अंदर ही होगी, ठीक है। आप देख सकते हो प्रॉपरली हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर मैं डायरेक्टली इस वाले फंक्शन को ना कॉल करके अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो आप देखोगे ये काम ही नहीं करने वाला, इसने पहले ही एरर दे दिया। अगर आप कोशिश भी करोगे तो स्टिल आपको एरर ही देगा, ठीक है। तो अगर आप ये फोर्सफुली कोशिश भी करते हो तो स्टिल आपको एरर ही मिलेंगे, ये प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। सो बेनिफिट क्या होता है एक कह सकते हो कि नेशनल क्लास का, कि जहां तक हमें उस क्लास की जरूरत होती है हम लोग वहीं तक उसको कॉल करते हैं, उसके बाहर कॉल नहीं करते हैं। एंड डिसएडवांटेज कह लो या फिर ये भी आप इसका बेनिफिट कह सकते हो कि अगर आप इसको एक बार जस्ट बाहर वाली क्लास से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आप नहीं कर पाओगे, जैसे अब आपको एरर आ रहा है, राइट। तो इसको बस क्लास के अंदर ही कॉल करा जा सकता है, इससे बाहर नहीं कॉल करा जा सकता। यही हमारी एक नेशनल क्लास होती है। इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं मैं बताता हूँ। एक तो बोल सकते हैं कि आप एक नेस्टेड क्लास बना के दिखाओ हमें, पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकते हैं, क्या आप लोग नेस्टेड क्लास को पेरेंट क्लास से बाहर, ये कॉलेज हमारी पेरेंट क्लास हो गई, इससे बाहर आप कॉल कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं कर सकते। अगर हमारी नॉर्मल कह सकते हो कि एक नॉर्मल क्लास है, तो अगर स्टैटिक क्लास होती है ना ये, तो इसको बाहर कॉल कर सकते थे। बस स्टैटिक के अंदर के बारे में आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। थर्ड चीज ये पूछी जा सकती है कि आप कितनी मल्टीपल नेस्टेड क्लास बना सकते हो। आप कह सकते हो कि इसके लिए कोई लिमिट सेट नहीं करिए, आप 5, 10, 15, 20 जितनी मर्जी क्लासेस बना लो उतनी क्लासेस बना सकते हो। सो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा, आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू गाइस।